हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा बिल्कुल भी आज का प्लान नहीं था ये लाइव रिकॉर्ड करने का, क्योंकि वीकेंड भी था। सो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से मुझे ये मैसेज मिला कि सब कुछ ठीक है और हो सकता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन मैंने मनीषा की लाइव देखी और आई नो कि जितनी भी लेडीज़ ने मनीषा की लाइव देखी होगी, वो हर कोई मनीषा की लाइव से कनेक्ट कर पा रहा होगा, क्योंकि चीटिंग, धोखा जिस औरत पे बीतती है ना, वो औरत इस दुख को समझ सकती है। लेकिन शायद जिनकी ज़िंदगी में ये होता रहता है, उनके लिए एक नॉर्मल बात है, वो इस फीलिंग को फील भी नहीं कर सकती। लेकिन जिन औरतों की ज़िंदगी में ये पहली बार होता है ना, वो औरत किन सरकमस्टांसेस से जीती है ना, ये सिर्फ वो औरत जान सकती है। इसीलिए इस फीलिंग के साथ रिलेट कर पा रही हूँ मैं, इसीलिए मनीषा की इस लाइव के बाद रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि रिश्ते में मेरी खुद की भाभी नहीं है, लेकिन मेरे बहुत बहुत गहरे कनेक्शन उनके साथ हैं। आज उनकी एज 40+ है, लेकिन जब उनको अपने हस्बैंड के बारे में ये सब चीज़ें पता चली ना, तो मैं उनका ब्रेकडाउन अपनी आंखों से देखती हूँ, मैं उनका सेक्रीफाइस अपनी आंखों से देखती हूँ। मनीषा के पास आज बेबीज नहीं है, लेकिन जिनके पास बच्चे होते हैं ना, उन औरत का सेक्रीफाइस क्या होता है ना, वो कैसे घूंट पी के रहती हैं, ये फीलिंग मैंने अपनी आंखों से फील करी है और देखी है। मैं सच में बोलना चाहूंगी कि वेरी वेल डन कि अपने लिए स्टैंड लिया, चिटिंग, धोखा, छल, कपट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाला इंसान वही होता है जो खुद छल, कपट और धोखेबाज इंसान हो। अगर कोई औरत होगी, वो कभी नहीं बोलेगी कि इस छल कपट को तुम एक्सेप्ट करो, वो हमेशा ये आपको बोलेगी कि इसके लिए आवाज़ खड़ी करो। शायद इसीलिए जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आपके आगे पीछे दाएं बाएं थे ना, वो इसीलिए आपको बोल रहे थे कि अपने लिए आवाज़ खड़ी करो, क्योंकि वो भी किसी की ज़िंदगी में बीवियाँ थी, वो भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था। मैं भी एक ज़िंदगी में बंधी हुई हूँ, मेरा भी पति है, और उन तमाम इन्फ्लुएंसर भी एक फैमिली से बिलोंग करते थे। तो हर वो औरत वो दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसका पति इस तरीके से अपनी बीवी को इग्नोर करता हो किसी और के लिए। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए ये बात आम ज़रूर हो सकती है शायद, जो किसी की ज़िंदगी में दूसरी, तीसरी या चौथी हूँ, लेकिन जो अपने पति की ज़िंदगी में पहली होंगी ना, वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। इसीलिए शायद सारे इन्फ्लुएंसर्स के सपोर्ट से, इतनी मेहनत और इतनी सपोर्ट की वजह से मनीषा ने अपनी बात बोलने की हिम्मत करी। जिस तरीके से मनीषा अपनी एक एक शब्द बोल रही थी ना, यकीन मानो उसकी पूरी लाइफ के दौरान ना मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं इस लड़की के लिए क्या कर दूं, कितना बर्दाश्त इस लड़की ने करा है, कितना बर्दाश्त इतनी छोटी सी उम्र में इस औरत के अंदर है, क्योंकि उसकी जगह अगर हम में से कोई भी होता ना, तो इतना बर्दाश्त शायद कभी नहीं कर पाता। ये तमाशा जो आज हुआ है, शायद ये तमाशा बहुत पहले हो जाता, लेकिन उसने बताया कि किस तरीके से उसको डराया, धमकाया जाता था, मरने मारने की धमकी दी जाती थी, किस तरीके से उस कम उम्र की बच्ची को, जिसे शायद कानूनी दाव पेच के बारे में आइडिया भी नहीं था, उसको किस तरीके से डोमिनेट किया जाता था। 10 बार वो हाथ जोड़ के आपको जब बोल चुकी थी मेरे पति से दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, तो क्यों उसके पति से अलग नहीं हुए? ठीक है, सचिन यहाँ पे गलत है, मैं नहीं बोलती कि वो बहुत छोटा बच्चा है, वो एडल्ट है, वो गलत है, लेकिन जब सामने वाले की बीवी आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे पति से अलग हो जाओ, सचिन तो है गलत, आप क्यों नहीं अलग हुए? क्यों बार बार फोन किया मनीषा को कि मेरी बात करवा दो, मेरी बात करवा दो, मेरी बात करवा दो? ये सारी बातें आज मनीषा ने अपनी लाइव में बताई है। मैं हैट्स ऑफ करती हूँ कि इतनी छोटी उम्र में उस लड़की ने इतनी सारी चीज़ें बर्दाश्त करी, इतनी सारी चीज़ें, हालांकि इस बीच में उसे मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश की गई, हर तरीके से उसको डोमिनेट करने की, मैनिपुलेट करने की, उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई। और मैंने जैसे ही कम्युनिटी देखी, उस कम्युनिटी में नीचे लिखा था सचिन राज,
कम्युनिटी में नीचे लिखा था सचिन राज। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट भी देखा, इसके अलावा मैंने अभी और कुछ नहीं देखा। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि सचिन राज नीचे लिखा है और जैसे ही मैंने देखा कि शॉर्ट्स में सचिन आया है सामने, तो सचिन इट्स हाई टाइम टू टेक अ स्टैंड फॉर योर वाइफ। भले ही ये रास्ते डिफिकल्ट हों, भले ही ये रास्ते कितने ऊंचे नीचे हों, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी वाइफ के इमोशंस की बात है। तुमने बीते दिनों जो भी गलतियां करी हो, ये उसका पश्चाताप है, ये उसका पश्चाताप है। अपनी बीवी को नीचे मत गिरने देना। तुम्हारी गलतियों की सजा तुम्हारी बीवी तक नहीं आनी चाहिए। वो इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो तुमको बहुत प्यार करती है। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, और हम भी नहीं चाहते कि उसका घर टूटे। इट्स हाई टाइम टू टेक अ स्टैंड फॉर योर वाइफ। आपको जहाँ जैसे जिसकी जब ज़रूरत होगी, ये पूरा सोशल मीडिया, आपके सारे फ्रेंड्स आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अपनी वाइफ को नीचे इस वक्त पे मत गिरने देना। अगर ये गलती आपसे हुई है तो एक्सेप्ट इट कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, लेकिन मनीषा की कोई गलती नहीं है। उसने कुछ नहीं किया है सिर्फ तुम्हें प्यार करने के अलावा। अगर तुम मैनिपुलेशन में थे तो अपनी साइड बताओ, अपना वर्जन बताओ। हर गलती का पश्चाताप होता है, हर गलती की माफ़ी भी होती है, बजाय कि आप उस गलती को एक्सेप्ट करो। क्योंकि मनीषा हज़ार बार बोल चुकी कि मुझे वो औरत पसंद नहीं थी, और वो औरत ये बात बखूबी जानती थी कि मनीषा उसको पसंद नहीं करती। बहुत बार लोगों ने उसे बताया भी कि मनीषा तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन तब भी उस औरत ने इस बात को इग्नोर किया। उसके कानों तक ये बात पहुँच चुकी थी कि मनीषा तुम्हें पसंद नहीं करती, उसको तुमसे शिकायत है, लेकिन फिर भी उसने इग्नोर किया क्योंकि वो जानती थी कि इस समय पे सचिन उसके काबू में है, और इसी का फायदा उठाया। मनीषा ने अपनी सास को जब ये बात बताई ना, आज मेरी नज़रों में उनकी सास की इज्जत ना बहुत बढ़ गई है। आंटी, मैं आपको सच में दिल से प्रणाम करती हूँ, आपकी इज्जत बहुत बढ़ गई कि इतना कुछ आपके घर में हो रहा था, इतना कुछ, लेकिन उसके बाद भी आपके चेहरे पे इस बात की शिखन तक नहीं आई। आपने जिस तरीके से अपनी बहू का स्टैंड लिया है ना, मैं चाहूँगी कि हमारे YouTube के बाहर की भी जितनी भी सासें हैं वो आपसे ये चीज़ें सीखें कि किस तरीके से एक बहू का साथ दिया जाता है। एक बहू ने दिल खोल के सारी बातें अपनी सास को बताई, सास ने सारी बातें समझी, सोची, बहू का साथ दिया, उसको अपने पास रखा। लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आने नहीं दी। किस तरीके से उस माँ ने वो घूंट पिए होंगे ना उन दिनों, उनके बेटे बहू की ज़िंदगी में तूफ़ान आया हुआ था, और इस तूफ़ान की वजह एक औरत थी, जिस औरत ने इस तरीके से एक घर को बर्बाद कर दिया। आज मनीषा की लाइफ में जो दर्द महसूस हो रहा था ना, वो दर्द हर वो औरत महसूस कर सकती जिसके साथ चीटिंग होती है, जो इंसान अपने पति को कभी भी शेयर नहीं कर सकता। हर उस औरत को दर्द होगा, लेकिन उस औरत को दर्द नहीं होगा शायद जो अपने पति को शेयर कर चुके होंगे या जिनको अपने पति को शेयर करने की आदत होगी। लेकिन हम जैसी महिलाएं जो अपने पति के ऊपर जान तन मन धन न्योछावर करती हैं, वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ये मरने जीने वाली नौबत है, ये वाकई में मरने जीने वाली नौबत है। मनीषा को इस चीज़ से बोलने के लिए रोकने की बहुत कोशिश की गई, हर तरीके की सोर्स लगाई गई कि भैया सोशल मीडिया पे क्यों बताना है, ये तो इंटरनल मैटर है, इसको तो अंदर ही अंदर सुलटाओ। अब बदनामी का टोकरा तुम अपने सर पे लो। हर बार बदनामी का टोकरा सचिन मनीषा अपने सर पे लें, लेकिन सोशल मीडिया पे मत बोलो। हर वो कोशिश करी गई पीछे पीछे से, लेकिन इस बार इन्फ्लुएंसर्स का इतना अच्छा साथ था ना, मैं आप सबके लिए क्लैपिंग यहाँ पे करूँगी कि आप सब लोगों के सपोर्ट और साथ की वजह से मनीषा ने ये स्टेप उठाने की हिम्मत करी। आज भले ही आपको लोग 100 बातें बोले, लेकिन मेरी नज़र में आप सबकी इज्जत आज बढ़ी है, चाहे वो सृष्टि जी हों, चाहे वो अमित किट्टो हों, चाहे वो
या चाहे वो कोई भी हो, आप लोगों की इज्जत मेरी नजरों में आज बढ़ी है कि आपने एक औरत को उसका दर्द बयान करने की शक्ति दी। अगर आप लोगों का सपोर्ट और साथ नहीं होता, शायद आज भी मनीषा अपने दिल की बात नहीं कर पाती। और जुल्म को सहना भी एक क्राइम होता है। आप किसी औरत को जुल्म सहने के लिए, चीजें सॉल्व करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। जुल्म के खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ती है, अपना दिल खोल के बताना पड़ता है। भले ही आज सचिन गलत भी साबित हो जाए, क्योंकि उनकी गलती है, मैं इस चीज को मना नहीं करूंगी, लेकिन उसके बाद मनीषा की कोई गलती नहीं है। और अगर आज सचिन इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपनी गलती मानते भी हैं, तो हर गलती की माफी भी होती है, बजाय कि आप उस गलती को भरे प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट भी करें कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। एक लेवल पे सचिन मनीषा का इस्तेमाल हुआ है, इस बात का गवाह सोशल मीडिया और सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। सारे इन्फ्लुएंसर्स इस बात का गवाह हैं कि इन दोनों का यूज हुआ है। सचिन का किस कदर यूज हुआ है ये तो हम व्यूअर भी जानते हैं, कि सामने वाले की क्या थी और क्या हुई और उसके बाद किस तरीके से फेंका गया। सो, ये वीडियो जो मेरा रिएक्शन है, ये मैंने मनीषा की लाइव देखी है। लाइव अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके जरूर देखना। उस लड़की ने अपना दिल खोल के यहाँ पे रख दिया है। किस तरीके से एक बाहरी औरत जो बहन का नकाब ओढ़ के एक भाई की जिंदगी में आती है, मेरे ख्याल से कि मैं तो आज के बाद अपने पति को किसी का भाई भी बनने नहीं दूंगी। मुझे लगता है कि सगी नंदे तो ऐसे ही बदनाम है। ये जो बाहरी नंदे बनती हैं, वो किस कदर भाई का घर तबाह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं। सोचो कि कैसे उनका जादू चलता है कि भाई रील नहीं बनाएगा, भाई व्लॉग नहीं बनाएगा, व्लॉग में नहीं आएगा, सोएगा तक नहीं, बैठेगा तक नहीं, साथ में नजर भी नहीं आएगा। ये बहन होती है क्या? आप में से किसी बहन का अपने भाई पे इतना रौब चलता है? जो इन बहन का अपने भाई पे चलता था कि एक कपल को साथ में रील बनाना तो बहुत दूर की बात, उन्हें साथ में रहने भी ये नहीं देती थी। ये बहन थी? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। क्या ये बहन थी? अगर ये बहन थी तो भैया मुझे अपनी पति की जिंदगी में ऐसी बहनों की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। उसके बाद बहुत सारी बैक टू बैक लाइव आ रही हैं, लेकिन ये रिएक्शन वीडियो सिर्फ मैंने मनीषा की लाइव के बाद बनाया है। बाकी वीडियोस मैं बनाऊंगी तसल्ली से सारी लाइव देखने के बाद। स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे कल। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी आंखें कान सब खोल के रखिए, क्योंकि कल एक तड़कता भड़कता रिएक्शन वीडियो आप सबके सामने आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।